क्या हाल चाल दोस्तों, वन प्लस का नया वन प्लस 13 फाइनली आ चुका है। इंडिया में नहीं है अभी, ये इंडिया के बाहर चाइना में लॉन्च हुआ है। हमने मंगा लिया, आप लोगों के लिए स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट चिपसेट डाल रखी है। काफी सारे इंटरनल चेंजेस है, वाइब्रेशन मोटर में चेंज कर रखा है, एक नया प्रोसेसर, नया बैटरी, नई डिजाइन, सारी चीजों में काफी छोटे छोटे बड़े बड़े सारे चेंजेस है। काफी सारा मसाला सब मैं बताता हूँ, बट एक चीज जो आप लोगों को शायद ना बताओ, ये एक्चुअली वन प्लस 12 है। वन प्लस 12 इक्वल्स 13। जोक मारने लगा हुआ है ना आजकल भाई। हमने ना वन प्लस के ऑलमोस्ट सारे फोन्स ट्राई करके हैं। वन प्लस 1 से वन प्लस 2 में जब जाते थे पूरी काया पलट सी हो जाती थी भाई, एकदम ही नया फोन। बट अब ऐसी काया पलट नहीं होती है, अब छोटे छोटे चेंजेस करे जाते हैं काफी सारे, जिसको मिला के एक ऐसा फोन बन जाता है। पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग फील होता है भाई खरीदने में, एंड जो यूज कर रहे हैं उनको फर्क फील होता है। इसमें भी वही सेम चीजें करने की कोशिश करी है। डब्बा आप देख सकते हो, नीचे हैसलब्लैड लिखा है, यहाँ पे अपना चाइना में कुछ लिखा है। 13 के बारे में एक चीज अगर मैं बताऊं, 13 चाइना में अनलकी है, बट यूएस में लकी। यूएस का बर्थडे आ रहा था 13 को। अरे यार, सबके अपने नंबर के खेले भाई। बट हम चेक करेंगे क्या 13 होने लगा हूं। वैसे डब्बे में ज्यादा चेंज नहीं करा है, ब्लैक कलर का जैसा पहले होता था वैसा ही सेम है। अंदर की तरफ एक प्लास्टिक कवर है, एक स्माइली सिम इजेक्टर टूल है, कुछ पुस्तकें दे रखी है। मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, आज क्यों ज्यादातर लोगों ने इंडिया में फोन खरीदे हुए, चाइना वाले फोन के प्लास्टिक की स्मेल में सूंघ के पहचान लेता हूँ। ये है भाई, ओहो भाई, भाई 100 वॉट का चार्जर, टाइप ए टू टाइप सी केबल है, और एक 100 वॉट का सुपर वूक चार्जर। वन प्लस ने जब से ओप्पो के साथ गठबंधन करा है, तब से ऐसे चार्जिंग वार्जिंग शेयर हो रही है, काफी सारे फीचर शेयर हो, सॉफ्टवेयर शेयर हो, उसके बाद से वन प्लस में बड़े बड़े चेंजेस हैं। मैं ना आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, मैं कमेंट में आपके ना पढ़ते रहता हूँ, आपको क्या लगते हैं वो चेंजेस अच्छे लगते हैं नहीं लगते, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वन प्लस की डायरेक्शन भाई पहले एकदम ही परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक रहता था, बट अब पूरा ही एक ऑल इन वन ऐसे फ्लैगशिप बनाने की कोशिश करते हैं। बट भाई फाइनली हमारा वन प्लस, ये देखो ये थंबनेल है, ये आ चुका है भाई हाथ में। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी, हमारे पास ना एक व्हाइट कलर है, ये एक मैट फिनिश में बैक साइड में ग्लास है, बट इसके तीन वेरिएंट आ रहे हैं, एक ब्लैक वाला आ रहा है, एक ब्लू वाला आ रहा है, वो काफी डिफरेंट टाइप का, एक वीगन लेदर टाइप है। बट इसमें भी डिजाइन में सबसे पहली चीज आप नोटिस करो, ऊपर की साइड में यहाँ पे ना स्टैंड सा होता था, वो हटा दिया। देखो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पहले मेरे को जो गोल गोल है ना थोड़ा सा गैस के स्टोव वाली फील देता है। पहले जब ऐसे पीछे का मेटल का ऐसे जोड़ने के लिए लगा हुआ था ना, तब थोड़ा स्टोव की तरह कम लगता था, बट अब थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पता नहीं क्यों, क्या पकाया जाए इस पे, कौन सी फोटो पकाई जाएंगी भाई इस पे। यहाँ पे हैसलब्लैड लिखा, एक लाइन लगी, हाथ में पकड़ने बहुत ही डिफरेंट फील दे रहा है। अब जैसे मैं अगर हाथ में पकड़ लू ना, तो मेरे को फ्लैट भी फील हो रहा है, मेरे को कर्व भी फील हो रहा है, मेरे को एजेस भी फील हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे, साइड इसकी फ्लैट है, बट साइड का एज हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में, ये मेटल का एज ऐसे तिकोना सा ऐसे एज है, और उसके नीचे फिर ऐसे जो ग्लास है वो ऐसे कर्व्ड कर रहा है, तो काफी एक अलग सी वाइब आती है इसको पकड़ने में। बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादातर लोग देखने में नोटिस ना कर पाए, बट जो भी पकड़ रहे हैं ना इस फोन को, वो इंस्टेंटली उसको थोड़ा सा डिफरेंट फील होगा। बैक साइड मेरे को पर्सनली ग्लास मैट फिनिश वाला थोड़ा सा चमकीला सा होता है, मजा आता है। छोटी छोटी चीजें जो मैंने नोटिस करी, जो कैमरे वाला पूरा प्लेटफॉर्म में हल्का सा पतला है, ये इस वजह से क्योंकि वन प्लस ने जो पेरिस्कोप लेंस यूज करा, जैसे दूरबीन वाला लेंस होता है, वो एक इन्वर्टेड कैमरा अरे से यूज करा, तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्शन आती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। ये वाला फोन अगर आप देख रहे हो, तो ये फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर के बीच वाला एकदम जो प्राइस पॉइंट होता है ना, उस पे हिट करता है, एग्जैक्ट उनके बीच का ही होता है। बट मेरे को ये वाला फोन इसलिए भी एक इंटरेस्टिंग मिक्स लगता है, काफी सारी चीजें फ्लैगशिप फोन्स में नहीं आती, जैसे इंफ्रारेड सेंसर, अगर आपको टीवी या एसी बंद करना है, या फिर एक्वा टच करके एक फीचर है जिसमें पानी पे अगर आप उंगली उंगली चलानी है तो काफी आराम से चलता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। बट इस बार अगर आप डिस्प्ले में नोटिस करो, तो चारों तरफ से बहुत स्लाइट सा आपको कर्व देखेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये कर्व्ड है बट फ्लैट ही फील होता है, काफी डिफरेंट सी फील है। ये तो नया कुछ ले गया है भाई, अलग सा लग रहा है। ये ग्लास गोरिल्ला ग्लास नहीं है, सुपर सेरेमिक ग्लास इसका नाम दे रखा है। थोड़ा दांत पे मैं मार रहा हूँ, हल्का सा नॉर्मल ग्लास से थोड़ी सी हार्ड फील दे रहा है। वन प्लस बोल रहा है गोरिल्ला ग्लास 2 से थोड़ी सी बेटर स्क्रैच और ड्रॉप प्रोटेक्शन हो सकती है, वो जब देश की मिट्टी में हम यूज करेंगे ना, तब थोड़ा अच्छे से टेस्टिंग करवाएंगे। बट बाकी सारी चीजें सेम है, पावर वॉल्यूम बटन है ऊपर और नीचे की तरफ, स्पीकर की ग्रिल है उसमें थोड़ा सा चेंज है, और अलर्ट स्लाइडर है वो लेफ्ट पे दे रखा है। इसको आप चेंज करोगे आपको डायनेमिक आइलैंड टाइप थोड़ा सा दिखेगा, आपको बस दिख रहा है, मेरे को फील हो रहा है जो इस फोन की वाइब्रेशन है, मुझे परख लेता हूँ भाई एकदम से। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, सूंघ के बता सकता हूँ भाई
कौन सी कंपनी का फोन है? अलग ही फील हो रही है भाई। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा लग रहा है घुंघरू पहन के कोई फोन के अंदर बैठा है। गुडुम गुडुम गुडुम। ऑलमोस्ट सारे फोन में वाइब्रेशन मोटर होती है, बट इसकी क्वालिटी मेरे को काफी डिफरेंट लगी। पर वाइब्रेशन में छोटी छोटी चीजें, जैसे वॉल्यूम में डाउन से अगर अप कर रहा हूँ ना, ज्यादातर फोन में क्या होता है कि वाइब्रेशन नॉर्मली चलते ऐसे चलती, बट इसमें क्या है कि जैसे अगर वॉल्यूम धीमी है तो घुंघरू धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे ऐसे बढ़ रहे हो वैसे वैसे घुंघरू की वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, एकदम एंड में मौनजुलिका बन रही है भाई। मजाक कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, बट बेसिकली सीन ये कि वाइब्रेशन बहुत छोटी सी चीज है, बट वो यूजर एक्सपीरियंस में काफी इंप्रूव कर देती है। इवन जैसे मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यूज कर रहा हूँ ना, बहुत ही स्पेसशिप वाइब्रेशन आती है भाई। आधी फिंगरप्रिंट मैंने अपनी डाल दी है, आधी भाई की डालते हैं, देखते हैं किसको खुलता है। वाइब्रेशन कैसी लग रही है? अलग सी लग रही है ना, स्लोली वाइब्रेट हो रहा है, स्लोली वाइब्रेशन खत्म हो रहा है। मैंने लेफ्ट वाले से करा था, मेरे से भी खुल गया भाई। वाह, ये भी ना बात। फिंगरप्रिंट की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और, इसमें एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। अल्ट्रासोनिक का मतलब ये, नॉर्मल आप फिंगरप्रिंट दबाओगे ना तो यहाँ पे से लाइट चलती है, से वाइट वाइट हो जाता है वाला फिंगरप्रिंट, बट इसमें ऐसा नहीं होता। स्क्रीन ऐसे एकदम बंद है, ठीक है, आप डायरेक्टली उंगली लगाओगे खुल जाएगा, आपको स्क्रीन ऑन करके फिंगरप्रिंट नहीं लगाना पड़ेगा। एंड प्लस तेल घी मिट्टी विट्टी सारी चीजें आपके हाथ कहीं पे भी जाए, यहाँ पे बिरयानी से हाथ निकाल के आप डायरेक्ट अंगूठा लगाओगे तब भी खुलेगा। हमने वैसे टेस्ट कर रखा है सैमसंग के फोन के ऊपर, इसके ऊपर अलग से करेंगे, जब इसको अपने जोन में लेके जाएंगे तो इसकी गोभी खोल देंगे। एक चीज और, एनिमेशन देखो थोड़ा कूल सा आ रहा है, वो गो, ये पहले टेक्स्ट सामने आता है फिर टेक्स्ट पीछे चला जाता है। ये पता है बहुत कूल लगा मेरे को, क्योंकि आप कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो, उसके साथ ही सेम टेक्स्ट का एनिमेशन होगा। यानी ये वॉलपेपर और टेक्स्ट अलग अलग एनिमेशन है। मैं देखो दिखा, ये देखो इसमें नहीं है पीछे टेक्स्ट। वैसे जो डिस्प्ले है काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेक्स में ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले बार वाला है, जो कर्व है वो थोड़ा डिफरेंट है। 6.8 इंच, 120 हर्ट्ज, HDR 10+, LTPO, Wideband 11 का सपोर्ट है, पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है, 800 निट्स नॉर्मल आपकी रही, बट ये बेसिक मैंने आपकी सारी स्पेक्स कवर की। बट ये सारी स्पेसिफिकेशन है एक्चुअल जो आप यूज करोगे, अच्छा क्रिस्प शार्प डिस्प्ले, बेजल्स भी चारों तरफ बराबर है, तो मजा आता भाई यूज करने में। एक और चीज जो काफी बड़ा अपग्रेड है, पिछली बार 5400 mAh इसके अंदर बैटरी लगा रखी थी, इस बार 6000 mAh की बैटरी है, और उसके साथ साथ 100W की फास्ट चार्जिंग। 6000 mAh बैटरी वाले फोन मैंने ट्राई करे हैं, वो बैटरी सेंटिक भारी वर्गम से फोन होते हैं, बड़े स्लिम है, लाइट है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन फ्लैगशिप्स में कम देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप नोटिस करोगे जो सैमसंग के टॉप फ्लैगशिप्स हैं, आईफोन्स हैं, उनमें चार्जिंग एकदम ही 100-100W 60-60W वाली भी नहीं होती। देखो मैं स्क्रीन में ना फैशन आपको बताता हूँ, जैसे फैशन में होता है ना कि पुराने वाला फैशन वापस आता है, पहले पतली पतली जीन्स चलती थी, अब बैगी बैगी जीन्स चलती है। सेम चीज में भी कभी कर्व चलता, कभी फ्लैट चलता है, ये सीजन चेंज होते रहते हैं। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 15 है, कलर ओएस के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैं ऊपर से अगर स्क्रॉल करूंगा तो आपको सारा कलर ओएस वाला वाइब दिख जाएगा। कलर ओएस ओप्पो का होता है, ये वन प्लस अपना ऑक्सीजन ओएस 15 के साथ इंडिया में लॉन्च करेगा। ऑल्दो कुछ सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स हैं, जैसे ऊपर डायनेमिक आइलैंड है, कुछ वाइब्रेशंस हैं, लॉक स्क्रीन में थोड़ी कस्टमाइजेशन है, ये वाले भी काफी सारे फीचर्स हैं, बट ये फीचर्स काफी ज्यादा चांस है जब वन प्लस का इंडिया वाला वर्जन आएगा उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे, तो हम उसमें ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। देखो अगर मैं कैमरे की बात करूं तो वन प्लस आपको याद होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 8 तक जो वन प्लस के कैमरास होते थे, कैमरा सेंट्रिक नहीं होता था फोन। मतलब कैमरा होता था कि भाई बस फोटो खींच लेता है, पर जब से हैसलब्लैड के साथ कोलैबोरेशन करी, फिर ओप्पो के साथ भी अपना गठबंधन हुआ, उसके बाद वन प्लस एक कंप्लीट फोन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करने लगा। एंड इसमें भी वही चीज ट्राई करी, हमने कुछ फोटोज खींच के दी, एक मैं आपको क्विक सेल्फी लेके भी दिखाता हूँ। डिटेल देख सकते हो भाई, दाढ़ी के बाल वाल दिख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को चटकपन कुछ मिसिंग लग रहा है, बट ओवरऑल वाइब काफी नेचुरल है। हमने काफी सारी फोटोज खींची भाई, आउटडोर्स में भी खींची, थोड़ी सी रात में लाइट वाइट की फोटोज खींची थी। जो तीन कैमरे का सेटअप है, तीनों ही 50 MP वाले, एक प्राइमरी है 50 MP, एक अल्ट्रा वाइड है, एक टेलीफोटो है 3x वाला, सोनी का जो लिट सेंसर है, थोड़ा जूम करने पे AI टेलीफोटो वाला मोड ऑन हो जाता है। बट भाई सबसे ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट है भाई इसके प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 8 एलीट। मैं बस नहीं बताता मेरे को क्यों एक्साइटमेंट है, OnePlus 12R जो था उसके प्रोसेसर के ऊपर हमने GD5 चला दी थी, एंड वो तगड़ी चल रही थी भाई, 50-60 FPS आ रहा था, एंड वो पिछले साल के प्रोसेसर पे था। इस बार एक काफी बड़ा अपग्रेड है प्रोसेसर में, तो GTA 5 और अलग अलग भाई PC वाली गेम वीडियो हमने बना रखी है, हमने कैसे चलाई थी आप जाके देख सकते हो,
वो सारी गेम जब इसके ऊपर चला देंगे काफी ज्यादा क्रेजी होगा, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट ये वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है भाई स्नैपड्रैगन की तरफ से। एप्पल का जो A18 चिप आ रही है उसको भी काफी हद तक ये टक्कर दे रहा है, तो डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अभी ये वाला जो वेरियंट है ये चाइना वाला है, BGMI भाई अंदर चलनी थी, जेंशन इम्पैक्ट पबजी हमने चला के देखी, थोड़ा सा मजा आ रहा था। बट हाँ भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको रिव्यू करने के लिए। मेरे ख्याल से नवंबर एंड या डिसंबर स्टार्टिंग के अराउंड ये लॉन्च होना चाहिए, बट हमको थोड़ी ज्यादा उतावला बनता तो हमने सोचा भाई एक वीडियो आपके लिए बना दे इसके लिए। बड़ा भाई इसको अच्छे से टेस्ट करेंगे, सारी चीजें आपको देंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।